एक बार फिर चाइना में कोरोना का कहर। जी हाँ, चीन में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो गया है। एक टाइम ऐसा भी था जब भारत में भी कोरोना का हाहाकार मचाया था, पर अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। यदि हम कोई भी अब प्रिकॉशन यूज़ नहीं लेते हैं तो क्या पता शायद आगे जाके हमारे भी ऐसे ही हालात हो जाए हैं। परंतु अभी के समय पर चीन पर कोरोना का बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल और कब्रिस्तानों में लंबी कतारें लगी हुई है। महामारी एक्सपर्ट एरिक फिगल डिक ने बताया कि चीन में अस्पताल पूरी तरह चरमरा गए हैं और अगले 90 दिनों में चीन की 60% से ज़्यादा आबादी संक्रमित हो सकती है यदि ऐसा ही रहा तो। और तेज़ी से फैल रहे संक्रमण की वजह से लाखों लोगों की मौत हो सकती है। दरअसल चीन में आम लोगों के विद्रोह के बाद बिना किसी तैयारी के ही जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दे दी। इसके बाद चीन के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है और वहाँ लाशों के अंबार की बात की जाए, अधिकारियों ने 19 और 23 नवंबर के बीच 4 मौतों की घोषणा की। बाद में चीन ने बीजिंग में किसी कोविड की मौत की सूचना नहीं दी। चीन में होने वाली मौतों को बहुत कम रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम संस्कार सेवाओं में काफ़ी हाल में बढ़ोतरी हुई है। महामारी एक्सपर्ट के मुताबिक बीजिंग में दाह संस्कार नॉन स्टॉप है, मृतागत ओवरलोडेड है और दाह संस्कार के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग के नामी कब्रिस्तानों में हजारों की वेटिंग भी देखी जा रही है। हालांकि ये स्ट्रेन नया है या पुराना है इसकी अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। जिसे रिसेंटली इंडिया के अंदर कोविड का एक बार अटैक हुआ था, वह बहुत ही घातक अटैक था। उसके अंदर इंडिया ने बहुत कुछ खोया था। उसको वहाँ एक नया वेरियंट देखा गया था कोविड-19 का, परंतु अभी यह वेरिएंट नया है या पुराना है इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जैसे भी पुष्टि होगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। जिस प्रकार से चाइना के अंदर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए वहाँ पर फिर भी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उनका संचालन कंटिन्यूसली है। वहाँ पे जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उनको बंद नहीं किया जा रहा है। इससे अदर जो कंट्रीज है उनमें भी कोरोना का वापस से स्प्रेड होने की चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि फ्लाइट चालू रहेगी तो वायरस का स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ यह चाइना के अंदर कैसे हुआ था, वो हुआ था जीरो कोविड पॉलिसी में ढील की वजह से यहाँ हुआ था। चाइना में कोरोना वायरस के छोटे से प्रकोप के खिलाफ पिछले 3 सालों से अपने जीरो कोविड दृष्टिकोण को लागू करता है, लेकिन लॉकडाउन, कोविड टेस्ट और क्वारंटाइन सिस्टम को ख़त्म करने के बाद मामलों में तेज़ी से इजाफा हुआ। कम टीकाकरण दर और अव्यवस्थित इमरजेंसी सेवाओं के चलते चीन की एक बड़ी आबादी वायरस की चपेट में। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील के कारण चीन की 1.4 अरब आबादी में से 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और मैं बताऊं आपको, जो इंडिया के अंदर यदि है कोविड वापस आता है तो वापस से एक भयंकर रूप ला सकता है। तो इसके लिए कोविड से बचने के लिए प्रिकॉशन ही मेन है। आप प्रिकॉशन में रहेंगे तो कोविड से बचे रहेंगे। और हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड से बचने के लिए काफ़ी हद तक इंतज़ाम कर लिए हैं अपने आप को बचाने के लिए। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए।